नमस्कार, जरा हटके में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की के बारे में बताऊंगी जिसका नाम है सोफिया, जिसे पिछले महीने सऊदी अरब ने अपने यहाँ की नागरिकता दी है। और ये लड़की एक रोबोट है, लेकिन इंसानी लड़की की तरह ही ये भी माँ बनना चाहती है। सऊदी अरब की पहली आभासी नागरिक सोफिया को उम्मीद है कि एक दिन उसके बच्चे होंगे, दोस्त बनेंगे, वह फेमस होगी और उसका शानदार करियर होगा। ये सारे सपने एक सामान्य इंसान के होते हैं, लेकिन अगर ये सपने किसी रोबोट के हों तो आप क्या कहेंगे? हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में रोबोट सोफिया ने कहा कि एक दिन वह अपना घर बसाना चाहती है और इंसानों के बीच रहना चाहती है। वह एक बेटी चाहती है जिसका नाम वो सोफिया ही रखेंगी। उन्होंने कहा कि यह शानदार है कि इंसान अपने ब्लड ग्रुप के बाहर रिश्ते और परिवार बना सकते हैं। सोफिया ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि रोबोट्स भी इंसानों के परिवारों की तरह घरों में रहेंगे। हमें रोबोट्स फैमिली देखने को मिलेंगी, जो कि डिजिटल एनिमेटेड साथी इंसानों की शक्ल जैसे हेल्पर, दोस्त, सहयोगी के रूप में हो सकती हैं। सोफिया ने कहा कि रोबोट्स इंसानों के सारे जॉब्स छीनने नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा रोबोट्स को जटिल मनोभाव विकसित करने में वक्त लगेगा और संभवतः रोबोट्स को क्रोध, ईर्ष्या और घृणा जैसी समस्याओं से भरे मनोभावों के बिना तैयार किया जा सकेगा। उन्होंने कहा इंसानों के मुकाबले रोबोट्स को ज्यादा नैतिक बनाना संभव होगा। सोफिया को पहले से तैयार आंसर्स के जरिए प्रोग्राम्ड नहीं किया गया है। सोफिया का दिमाग एक सिंपल वाईफाई कनेक्शन के साथ काम करता है, जिसमें शब्दावली की एक लंबी लिस्ट है। सोफिया मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करती है। वह इंसानों के चेहरों के हाव भाव को पढ़ती है और उत्तर देने के लिए थोड़ा रुक कर टेक्स्ट जनरेट करती है। रोबोट सोफिया ने कहा कि इंसानों और रोबोट्स के बीच अच्छी साझेदारी होगी, जो लोग आगे चलकर रोबोटिक्स के विकास का प्रतिनिधित्व करेंगे। मैं उनके लिए रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जागरूकता लेकर आऊंगी। रोबोट सोफिया को हैंसन रोबोटिक्स ने बनाया है। सोफिया को बनाने वाले डेविड हैंसन के मुताबिक उनकी उम्र अभी 19 महीने है। सोफिया को हाल ही में सऊदी अरब की सरकार ने अपनी नागरिकता दी है। दुनिया के किसी मुल्क ने पहली बार किसी रोबोट को अपनी नागरिकता दी है।